दिवाली निकल गई लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब भी धमाके कम नहीं हुए हैं। टेक टॉप 10 के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं हफ्ते भर के 10 बड़े अनाउंसमेंट्स। एप्पल से लेकर नथिंग तक, व्हाट्सएप से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक, कंपनियों के कई अपडेट्स चर्चा में हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया, आप देख रहे हैं टेक टॉप 10। चलिए देखते हैं टेक वर्ल्ड में इस हफ्ते क्या क्या हुआ खास। व्हाट्सएप ने 3 नए अपडेट जारी किए हैं जिसमें 2 फीचर और 1 सपोर्ट है। इन फीचर्स में वॉइस चैट और सीक्रेट कोड शामिल है। वॉइस चैट की मदद से यूजर्स बिना किसी को डिस्टर्ब किए ग्रुप कॉल कर सकते हैं। ये फीचर 33 से 128 ग्रुप वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए है। वहीं सीक्रेट कोड फीचर की मदद से स्पेसिफिक चैट को प्राइवेट कर सकते हैं जो केवल सीक्रेट कोड से ही ओपन होगी। सपोर्ट की बात करें तो व्हाट्सएप चैनल पर अब 500 मिलियन यूजर्स होते ही चैनल को एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए नए स्टिकर्स का सपोर्ट मिलेगा। एप्पल ने आईफोन 14 यूजर्स को दी गुड न्यूज़। कंपनी ने अनाउंस कर बताया कि आईफोन 14 यूजर्स को अगले साल तक के लिए फ्री में इमरजेंसी SOS फीचर मिलना शुरू हो गया है। इसकी मदद से यूजर्स इमरजेंसी में बिना सेलुलर और वाईफाई कनेक्शन के सैटेलाइट के जरिए कॉल कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अगले 1 साल तक कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया AI के लिए नया चिपसेट, इसका नाम माया है। इसकी मदद से AI कंप्यूटिंग टास्क में तेजी देखने को मिलेगी। वहीं ये को पायलट सर्विस के लिए फाउंडेशन देगा जो खास तौर पर बिजनेस सॉफ्टवेयर यूजर्स और डेवलपर्स के लिए होगा। नथिंग लाया एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया अपडेट। कंपनी ने नया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नथिंग चैट्स अनाउंस किया है जिसे खास नथिंग फोन 2 यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये एप्पल के आई मैसेज फीचर की तरह काम करेगा। ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं है, ये ब्रांड का खुद का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होगा। इंस्टाग्राम लाया क्रिएटर्स के लिए शानदार एडिटिंग टूल्स और अपडेट्स। इनमें कस्टम स्टिकर्स, नए फॉन्ट्स, फिल्टर्स शामिल हैं। वहीं फोटोज, वीडियोस के लिए मिलेंगे कई तरह के एडिटिंग टूल्स। अब वीडियोस में से कस्टम स्टिकर्स की हेल्प से स्टिकर्स बना सकेंगे। वहीं रील्स में 10 नए इंग्लिश टेक्स्ट टू स्पीच वॉइस ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। YouTube ने फर्जी वीडियोस पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। YouTube ने कहा कि यूट्यूबर को अब AI के इस्तेमाल से बनाए गए वीडियो की देनी होगी जानकारी। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी। मैनिपुलेटेड AI कंटेंट के लिए अब YouTube पर कोई जगह नहीं होगी। YouTube टेक्निकली मॉडिफाइड AI कंटेंट को या तो YouTube से हटा देगा या फिर लेबल लगा देगा। गूगल फोटोज लाया AI बेस्ड फीचर्स, इसका नाम फोटो स्टैक्स है। इससे यूजर्स गैलरी में पड़े फालतू स्क्रीनशॉट्स और डॉक्यूमेंट्स को एल्बम्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। यानी अगर आपने सनसेट या ग्रुप फोटोज एक जैसे क्लिक कर ली हैं, तो उन्हें ये कैटेगराइज या फिर रिमूव कर देगा। आईटेल लाया आईफोन जैसा फीचर। अब आईटेल S23 प्लस में दिखेगा डायनेमिक बार अपडेट। ये फीचर हूबहू एप्पल की फीचर डायनेमिक आइलैंड की तरह काम करेगा। इसमें फेस अनलॉक, बैकग्राउंड कॉल, चार्जिंग एनिमेशन, चार्ज पूरा होने का रिमाइंडर और लो बैटरी रिमाइंडर जैसे सर्विसेज मिलेंगी। इसके अलावा फोन में मिलेगा AR मेजर फीचर। नॉइस ने लॉन्च की कलरफिट प्रो 5 स्मार्ट वॉच। ये AMOLED डिस्प्ले SOS फीचर से लेस है। इसमें 1.85 इंच का ऑलवेज ऑन AMOLED डिस्प्ले, IP68 रेटिंग, 7 दिनों का बैटरी बैकअप और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड है। इसकी कीमत है ₹3,999। OnePlus 11 को मिला ऑक्सीजन OS 14 अपडेट। ये अपडेट लेटेस्ट वर्जन Android 14 पर बेस्ड है। इसमें यूजर्स को कई शानदार फीचर्स मिलेंगे। इनमें माइक्रोसॉफ्ट फोन लिंक से क्रॉस डिवाइस कनेक्टिविटी मिलेगी जो फोन और डिवाइस के बीच में सीमलेस कनेक्टिविटी देगा। वहीं इसमें फाइल डॉक फीचर भी मिलेगा। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।